की फर्जी आईडी बनाकर की जाती थी दोस्ती। बता दें, डेटिंग ऐप फर्जी फेसबुक आईडी व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील वीडियो कॉलिंग कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से लोगों के आई कॉल को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करते थे और फिर उन्हें धमकी देकर ठगी करते थे। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में मोबाइल, नकदी, कई लड़कियों की फर्जी आईडी, वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डर के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। इस पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस को 12 दिनों तक मेहनत करनी पड़ी। जानकारी की माने तो पुलिस को ऑनलाइन फेसबुक लड़कियों की आईडी बनाकर ऑनलाइन डेटिंग ऐप में लोगों से चैट कर वीडियो कॉल करवा कर ब्लैकमेल करने की शिकायतें मिल रही थी। इतना ही नहीं, आरोपी पुरुषों को आकर्षित कर वीडियो कॉल के लिए उन्हें उकसाते थे और फिर आपत्तिजनक भाग के रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो कॉल करने वालों को उसकी रिकॉर्डिंग भेजकर पैसे वसूली करने के लिए ब्लैकमेल करते थे। ऐसे में जो लोग इन्हें पैसा नहीं देते थे, उनके आपत्तिजनक वीडियो को उनके रिश्तेदार और फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट के पेज में या फिर मैसेंजर में भेज देते थे। साथ ही यह भी धमकी दी जाती थी कि इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब में पोस्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो ये पैसे दे दे। इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की और संयुक्त टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान पहुंचकर 12 दिन तक कैंप किया और आखिरी में उमर मोहम्मद और आसिफ नाम के 2 आरोपियों को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इसके पूर्व के नाम पर भी फ्रॉड किया करते थे। इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों से ठगी की होगी। हाल इनके पास से मोबाइल, नकदी और कई सारे सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। आईडी बनाना बहुत आसान है, अगर आपका फोटो वोटो सब लोग पब्लिक अपने प्रोफाइल रख देते हैं तो उससे फोटो उठा लिए, उससे डेटा उठा लिए और उसमें से कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए। कई लोग होते हैं जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने का शौक होता है तो किसी की फ्रेंड लिस्ट एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो जब भी कोई फेक आईडी बनाता है ऐसे कुछ लोगों को फ्रेंड लिस्ट भेज भी देता है, सो दैट उसकी प्रोफाइल रियल जैसे लगने लगती है। उसके बाद वो मैसेंजर पर चैट करता है पैसे मांगने के लिए और उसकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में भी 2-4 भी उनको सक्सेस मिल गई तो उनके लिए उनका काम बन जाता है। उसके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी प्रोफाइल जब भी बनाओ लॉक रखो। प्रोफाइल लॉक करने के भी सिस्टम फेसबुक पर रहते हैं, लोगों ने अपने अभियान के दौरान भी बताया है। उसका ध्यान रखने से इसकी संभावना कम हो जाती है। आपकी प्रोफाइल लॉक रहेगी तो वो फोटो आपकी स्क्रीनशॉट भी जल्दी से नहीं होती। उस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपना